Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. So dear viewers, in the previous lecture I discussed about the combination of resistors in series. So when we connect more than two resistors or three, four, five resistors in series, then the equivalent resistance jo hogi us circuit mein, that will be the sum of individual resistances. So ye maine pehle hi discuss किया है बेटा. सो उसका मतलब क्या हुआ, व्हेन यू कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन सीरीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दैट वेरी पाथ ऑफ दैट वेरी सर्किट इंक्रीजेस. तो उसका मतलब क्या हुआ, जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हो उससे बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. क्या बढ़ जाती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस. नाउ हियर आर सर्टन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स to be noted. So some important points which you need to note regarding series combination. पहली बात जो आप note करोगे बेटा यहां पर वो ये है कि series combination में current flowing through each resistor is same. This is the very first important point to be noted. Current flowing through each resistor is same. ये बेटा पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नोट दैट इज कि यहां पर अगर बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका मतलब हुआ सपोज दिस इज पॉइंट A दिस इज पॉइंट B तो इन एंड्स पे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी V. बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन दिस वोल्टेज दिस पोटेंशियल ड्रॉप दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट डिवाइडेड विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स. तो मान लो इसके थ्रू जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गई दैट इज वी वन एंड सपोज अलॉन्ग आर टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी टू. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है. क्यों, बिकॉज फॉर द फ्लो ऑफ करंट फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज देयर इज ओनली वन पाथ. अगर एक से ज्यादा रास्ते होते तो हम कह सकते थे कि दैट करंट कैन बी डिवाइडेड, कुछ करंट एक साइड से निकलेगी और कुछ हिस्सा इसका दूसरे पाथ से निकलेगा. बट यू नो आर वन आर टू आर इन सीरीज, सो व्हेन दे आर इन सीरीज देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट to go from R1 to R2. So इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर करंट सेम जाएगी लेकिन वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड. वोल्टेज बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट. मगर अब क्वेश्चन है किसके थ्रू कितना पोटेंशियल आएगा, किसके थ्रू कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी. यू नो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन करंट यहां सेम है तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किस रेजिस्टर के थ्रू ज्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है. अच्छा इफ आर वन इज ग्रेटर देन आर टू देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन विल बी ग्रेटर देन आर टू. कैसे बेटा, सिंपल फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन सीरीज में करंट तो सेम है, जितनी आर वन के थ्रू करंट जा रही है उतनी आर टू, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. सो इन दो में से जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी, जिसके थ्रू रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी. सो वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस. अगर दोनों की रेजिस्टेंस सेम है देन अगर बैटरी 10 वोल्ट का वोल्टेज दे रही है देन 5 वोल्टेज यहां से होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 5 वोल्ट और इसके अक्रॉस 5 वोल्ट. सो दिस वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. सो वोल्टेज गेट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस. ठीक है बेटा. और एक पॉइंट वो ये है बेटा, अब देखो आपने सीरीज में रेजिस्टर्स को लगाया तो बताओ यहां पर जो सेल से करंट निकलेगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दे रहा है सेल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. मेरी बात सुनो,
तो बताओ हाउ मच करंट विल बी विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। किस किस पे वो डिपेंड करेगा, करंट बैटरी से कितनी बाहर आएगी या करंट आर वन आर टू से कितनी फ्लो होगी, तो वो डिपेंड करेगा कि बैटरी कितनी पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, बैटरी कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एंड उस सर्किट की इफेक्टिव टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। सो यू नो यहां पर सीरीज में है, तो यहां आर वन प्लस आर टू। सो टेल मी जब आप व्हेन यू कनेक्ट मोर एंड मोर रेजिस्टर्स इन सीरीज, जैसे बेटा आपने अब तीन रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया, नाउ टेल मी से V, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, नाउ टेल मी हाउ मच करंट विल बी विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताओ जब जितने ज्यादा रेजिस्टर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। नाउ जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल डिक्रीज। सो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन मोर एंड मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल हैपन, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज व्हिच इन टर्न विल डिक्रीज द करंट व्हिच इज विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ओवरऑल जो करंट सेल से निकल रही है वो घट जाएगी जब आप रेजिस्टर्स को किसमें कनेक्ट करोगे, सीरीज में। क्यों, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जब आप रेजिस्टर उसको सीरीज में लगाओगे आर इक्विवेलेंट विल इंक्रीज एंड आई इट इज द करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इट विल डिक्रीज। इज दैट क्लियर। सो मान लो पहले यहां से 2 एम्पीयर की करंट जा रही थी, अब 1 ही एम्पीयर की करंट इससे विड्रॉ होगी। इज दैट क्लियर। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर टू बी नोटेड। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। वो मैं आपको बेटा समझाना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर्किट थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट है वोल्टेज डिवाइडिंग रूल के बारे में। सो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, बेटा सुनो मेरी बात। सपोज यू हैव टू रेजिस्टर्स आर वन आर टू एंड अक्रॉस इट्स एंड्स यू हैव कनेक्टेड अ बैटरी विच सप्लाइज अ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट्स एंड से वी, से दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी। नाउ यू नो in suppose I current is withdrawn from it, say like this. Now you know in series combination current will not get divided but voltage will divide. So kya hoga, suppose yahan se is resistor ke across potential difference V1 hai aur is resistor ke across potential difference beta V2 hai. Now hame question hai, अगर आपको सेल का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, नाउ आप मुझे बताओ इस R1 के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। नाउ टेल मी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें बेटा क्या देखना है, आप मेरी बात सुनो, फिर से सुनो, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। आई वॉन्ट टू नो इफ दिस वोल्टेज गेट इज डिवाइडेड हियर अक्रॉस आर वन एंड आर टू, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप आर वन के अक्रॉस कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस कितनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है नोन एज वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। सो वो रूल क्या है, वो हम यहां से प्रूव कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। यू नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट द रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर। सो टेल मी R1 के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V1 है ना, सो कैन आई राइट V1 इज इक्वल टू I टाइम्स R1। ओके, नाउ ये जो I है हमें क्वेश्चन में I नहीं दिया है, हमें क्वेश्चन में V दिया है, तो बेटा इस I को किस में लाना पड़ेगा, V में। नाउ यू नो I जो है करंट विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी वो किसके बराबर होती है, अभी पढ़ा आपने पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द सोर्स सप्लाइड बाय द बैटरी
डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो बताओ हाउ मच इज द करंट गोइंग थ्रू आर वन एंड आर टू और हाउ मच इज द करंट विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, वो किसके बराबर आएगा? वी डिवाइडेड बाय, सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी आर वन वी बाय आर वन प्लस आर टू. तो अब आप क्या करोगे, यहां पर आप आई का वैल्यू पुट करो. तो बताओ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन किसके बराबर निकला? आई को कन्वर्ट करना है. क्यों कन्वर्ट किया मैंने यहां पे? क्योंकि क्वेश्चन में बैटरी के थ्रू करंट नहीं दी है, हमें दिया है बैटरी कितना वोल्टेज दे रही है और हमें क्या बताना है, बताओ इस रेजिस्टर के थ्रू कितना वोल्टेज होगा और इस रेजिस्टर के थ्रू कितना वोल्टेज होगा. सो दैट्स व्हाई आई एम सपोज्ड टू कन्वर्ट दिस आई एम सपोज्ड टू चेंज दिस आई इनटू वी. तो आई को कैसे वी में लाया? अकॉर्डिंग टू द बेसिक ओम्स लॉ रिलेशनशिप, करंट विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो बता V1 किसके बराबर आएगा? I के बदले क्या लिखोगे आप? V by R1 plus R2 multiply by yes R1. So हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेअरेंज कर लेंगे इसको, R1 by R1 plus R2 multiply by R1, sorry multiply by V. So now tell me, अगर R1 की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां से वोल्टेज भी ज्यादा होगा. अगर R1 के अक्रॉस R1 की रेजिस्टेंस कम होगी तो वहां से वोल्टेज कम होगा. तो देखो अगर आपको रेजिस्टर्स पता है, रेजिस्टेंसेस का वैल्यू पता है और आपको पता है कि सेल कितनी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, देन यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, the potential difference across R2. So फिलहाल हमें यह पता चला यहां पर potential difference across R1 किसके बराबर आया? R1 divided by R1 plus R2 into V. Now tell me V2 कैसे निकालोगे? Potential difference across R2 कैसे निकालेंगे? Same concept, same method. V2 potential difference across R2 will be equal to yes I times R2. And similarly, you know I, you know it is equal to V divided by R equivalent or R1 plus R2 multiplied by R2. So, beta, kya karoge? So, how much is the potential difference or how much is the voltage drop across R2? It is like this. R2 by R1 plus R2 multiplied by V. So, beta, ye aa gaya potential drop across R2. So tell me, अगर R2 की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो V2 भी ज्यादा होगा ना, प्रोपोर्शनल आ रहा है ना यहां पे. So यहां पर आपने V2 भी किसमें निकाला? In terms of V. V1 को भी किसमें निकाला? In terms of V. So now इसका मतलब हुआ पोटेंशियल that is divided according to their resistances. More resistance, More will be the voltage drop. और आप वो इस इन फॉर्मूला से निकाल सकते हो. This is what we call as voltage dividing rule. लेकिन अब for example आपके पास तीन resistors हैं, तो क्या करोगे? बेटा कोई मसला है ही नहीं, तीन resistors के लिए भी बहुत आसान है. देखो क्या करना है आपको. Suppose you have three resistors, R1, R2, R3. हाँ, suppose you have connected a battery across its end, say V. So you know that this battery will provide a potential difference V across end is AB. But here across R1, this voltage will get divided across R1, across R2, and across R3. बिकॉज यू नो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है. एंड कैसे डिवाइड होता है? देयर इज अ रूल नोन एज वोल्टेज डिवाइडिंग रूल. चलो बताओ वी वन किसके बराबर लिखोगे आप? शाबाश, आई इंटू आर वन. सपोज यहां से करंट आई निकल रही है, देन सेम अमाउंट ऑफ करंट विल गो अलॉन्ग सेम ऑल द रेजिस्टर्स. बट यू नो आई कैसे निकालते हैं? करंट विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, ऐसे रखिए बेटा. तो यू नो यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? तीन रेजिस्टर सीरीज में है,
then you will add them. R1 plus R2 plus R3. Substitute the value of I here. Bolo beta V1 kiske barabar aayega? V divided by R1 plus R2 plus R3. Shabash. Multiply by R1. Thoda rearrange karege isko. So V1 potential difference across R1 will be equal to R1 plus R2 plus R3. Shabash. Multiply by V. So this is the potential drop, potential difference across R1. Zara aap isi basis pe batao, potential drop kitna hoga R2 ke side se. So similarly, what will be the potential difference across resistance R2? It will be equal to R2 divided by R equivalent. What is R equivalent? R1 plus R2 plus R3 multiply by V. V is the potential difference supplied by the source. Okay, batao, again V3, what will be the potential drop across R3? R3 divided by equivalent resistance R1 plus R2 plus R3 multiply by V. What is V? Potential difference supplied by the source. I hope aapko samajh aaya hoga. Chalo mujhe batao, if you have 4 resistors. Now, all these 4 resistors are connected in series. Now tell me, what will be the potential drop across R1? Yes, R1 divided by equivalent resistance. R1 plus R2 plus R3 plus R4 multiply by V. What is V? Potential difference supplied by the cell. But what will be the potential drop across R2? It will be equal to R2 divided by R1 plus R2 plus R3 plus R4 multiply by V. Okay, this one. What will be the potential drop across R3? It will be equal to R3 divided by equivalent resistance. R1 plus R2 plus R3 plus R4 multiply by V. V is the potential difference supplied by the source. So, aise hi V4 ka bhi aise hai. V4 ke liye R4. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना. तो आपका अगर आप अगर मैं थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा यहां पे. सपोज यू हैव 2 रेजिस्टर्स, से 2 ओम 4 ओम एंड हियर आई एम सप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड बट देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ करंट. नाउ आई वांट टू नो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस. What will be the potential drop across this? Chalo batao. V1 will be equal to potential drop across R1. Let we name it as R1. Name it as R2. R1 by R equivalent. That is R equivalent is R1 plus R2. Multiply by V. Batao R1 kitna hai? 2. R1 plus R2 kitna aega? 6. Multiply by 20. Ya isko thoda fraction hum seedhe whole number mein laayge. Isko say it is 24 volt. Okay. So into 24, how much is that? 6 4s are 24, 4 2s are 8. So 8 volt cut potential difference yahan se hoga. To baki kitna bach gaya? 24 volt mein se 8 ko minus karo, that will be along, that will be the potential drop across V2. Lekin agar formula se bhi nikaloge, beta wahan se bhi aap nikal sakte ho. Kaise V2 nikaloge? How will you determine the potential difference across V2? Yes, V2 will be equal to R2. Now, how much is R2? So, let me write down the formula first. R2 by R1 plus R2 multiply by V. So, R2 kitna hai? 4. R1 plus R2 equivalent resistance kitni hai? 6. Voltage supplied by the cell, it is 24. That is 16 volt. So, here voltage beta divide ho gaya. Dekho beta, jiski resistance zyada thi, wahan se voltage bhi zyada aa raha hai. जिसकी रेजिस्टेंस कम है वहां से वोल्टेज भी कम आ रहा है. सो 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, बट यहां पर कितना वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, इस रेजिस्टर को कितना पोटेंशियल प्रोवाइड हो रहा है? ओनली 8 वोल्ट. और इस रेजिस्टर को कितना पोटेंशियल या वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है? 16 वोल्ट. इज दिस क्लियर टू यू? तो ऐसे हम वोल्टेज डिवाइडिंग रूल पे क्वेश्चंस कर सकते हैं. लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, जरा बेटा आप यहां क्या निकालो, आप यहां से करंट बताओ कितनी है. हाउ मच करंट इज विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? आई टोल्ड यू ओम्स लॉ, करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द सेल divided by equivalent resistance. Chalo batao, how much potential difference a cell is providing here? 24. Okay, how much is the equivalent resistance? 2 aur 4 kitne ho gaye? 6. So that is
4 एम्पियर ऑफ करंट. सो दैट मीन्स इस बैटरी से कितने एम्पियर की करंट जा रही है? 4 एम्पियर. नाउ माई क्वेश्चन इज हाउ मच इज द करंट गोइंग थ्रू आर वन? सेम 4 एम्पियर. हाउ मच इज द करंट गोइंग थ्रू आर टू? सेम 4 एम्पियर. वाई? बिकॉज वेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देर इज नो डिविजन ऑफ करंट, देर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. सो सेम अमाउंट ऑफ करंट विल गो थ्रू आर वन, सेम अमाउंट ऑफ करंट विल गो थ्रू आर टू. इज दिस क्लियर टू यू? सो अभी तक हमने यहां सीरीज कॉम्बिनेशन को बेटा डिस्कस किया. आई होप आपको अच्छे से सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आई होगी. तो इंशाल्लाह आप इस पर खुद भी क्वेश्चंस कर सकते हो. सो माई नेक्स्ट टॉपिक और जो नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरा टॉपिक होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखो बेटा फिर से सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन में वी हैव द रूल नोन एज वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, क्योंकि वहां पे यहां पे क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज. पैरेलल में आप देखोगे वहां वोल्टेज डिवाइड, वहां करंट डिवाइड होती है. तो वहां करंट कैसे डिवाइड होती है? वहां पे एक रूल है करंट डिवाइडिंग रूल, दैट विल बी डिस्कस्ड देयर. सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड. अस्सलाम वालेकुम.